Hey guys, my next lectures. Today start a Google SketchUp. And last lecture में हमने देखा था Google SketchUp के basic command and उसके functions and अपने Google SketchUp का use कैसे करते हैं और मैंने individually command use करके बताया था. आज हम इस video में देखेंगे Google SketchUp में 3D modeling करते हैं उसमें किस प्रकार अपने material provide करते हैं और किस प्रकार use करते हैं. Okay? तो आज अपने उसके बारे में जानेंगे. तो मैं अभी मैं स्टार्ट करता हूँ. ओके, आज हम उसमें मटेरियल्स एंड उसमें यूज़ कैसे करते हैं जो मैं आपको एक छोटा सा एक मॉडल 3D मॉडल प्रिपेयर करके बताऊंगा जिसमें मैं 3D मॉडल बनाऊंगा एक रूम और उसमें मैं इंटीरियर डिजाइनिंग लाइक फर्नीचर्स एंड बेडरूम्स के अदर वॉल ड्रॉर्स डोर विंडो सब मैं आपको मटेरियल प्रोवाइड करूंगा और किस टाइप से अपने मटेरियल उसमें प्रोवाइड करते हैं मैं आपको वो बताऊंगा. ओके, तो लेट्स गो. आज मैं क्या करने वाला हूँ, एक रूम बनाने वाला हूँ. रूम का मैंने अभी बोला रूम बनाऊंगा 15 फीट. ओके, ये पंद्रह फीट. ओके, 15 फीट. ओके, 15 फीट. ओके ओके, हो गया अपना रूम. एक्चुअली ये मेरे को मिस्टेक लग रहा, सॉरी. चलो अपने ऐसे ही बनाते हैं. ये अपना इतना बड़ा रूम, मैंने रेक्टेंगल कमांड यूज किया है. अब मैं ऑफसेट कमांड यूज करूँगा इसकी, क्या बोलते हैं ना, वॉल बनाने के लिए. ओके, ऑफसेट कमांड यूज हो गया. अब मैं इसमें विंडो प्रोवाइड करूंगा और ये डोर प्रोवाइड करूंगा. एंड मैं इसमें कोई मेजरमेंट नहीं करने वाला हूँ, मैं ऐसे ही डायरेक्टली ऐसे ही विदाउट मेजरमेंट्स बना रहा. ओके, और मेजरमेंट के लिए आपको पता है टैप कमांड यूज करके आप डायरेक्ट कर सकते हो. टैप से सब मेजरमेंट करके उसमें आपको जिस टाइप से देना हो उसको दे सकते हो. ओके, अब मैंने एक बना दिया. अब मैं यहाँ पे 7 फीट. ओके, ये कितना होता है विंडो वाला, 3.5 फीट का अप्रोक्स. तो मैं 2.5 फीट का दे रहा हूँ. ओके, ये 2.5 फीट. ये ओके दे दिया मैंने. ओके, अब क्या करने वाला हूँ, इसके ऊपर जो लिंटल लेवल होता है जिसका 7 फीट के बाद अपना डोर ऊपर वाली वॉल आ जाती है 7 फीट के बाद, तो वो मैं वॉल प्रोवाइड करने वाला हूँ. तो इसमें मैं क्या करूँगा, इसको मैंने बढ़ा दिया 3 फीट. अब मैं इसको 7 फीट पे मार्क कर दूंगा. डिलीट पुश. ओके, डिलीट. डिलीट. ये अपना रूम प्रिपेयर हो गया. ओके, अब मैं इसमें क्या करने वाला हूँ, आपको मैं कलर्स कैसे प्रोवाइड करते हैं और विंडो कलर्स और मैं आपको सब बताऊंगा. मैं थोड़ा 10 मिनट की वीडियो बनाऊंगा, ज़्यादा नहीं बनाऊंगा. इसमें मैं थोड़ा बहुत फर्नीचर इंटीरियर डिज़ाइन और आपको मैं वो सिखाने वाला हूँ लाइक तो अब मेरे को क्या करूँगा, सबसे पहले मैंने गूगल ओपन किया और यहाँ गूगल में लिखूँगा 3D वेयर हाउस. ओके, 3D वेयर हाउस. ओके, अब मैं सर्च करूँगा. ओके, तो 3D वेयर हाउस आ गया. सर्च क्यों नहीं हो रहा है गुरु, ये 3D वेयर हाउस खुल गया, ओपन हो रहा है. ओके, मैंने नेट ऑफ था मेरा मोबाइल का इसलिए मैंने चेक किया. ओके, अब मैंने 3D वेयर हाउस कर दिया ओपन. ये ओपन हो रहा है, तब तक मैं इसमें देख ले रहा हूँ. अपना ये मॉडल प्रिपेयर हुआ. अब मैं इसमें क्या करूँगा, कोई मटेरियल जैसे मेरे को मटेरियल देना है लाइक
कोई भी मटेरियल मेरे को मटेरियल इसका देना है। अब मेरे को ये मटेरियल देना है, समझो ये, सॉरी ये तो ये हो गया। ये कलर सेट्स और ये सब होता है मटेरियल में। ओके, जैसे आपने ये बनाया, फिर ये हो गया। ओके, ये तो अपने नॉर्मल यूज़ करते ही है। अब मैंने इसको डिलीट मार दिया, ये सॉरी पे डिलीट। अब मेरे को इसमें मटेरियल प्रोवाइड करना है, एडिट करना है, तो एडिट के लिए मैंने ये किया ब्लैक एज, सॉरी ये नहीं, मिक्स। सॉरी, ये मटेरियल ऑप्शन दिख रहा है। अब मैं मटेरियल में गया, सेलेक्ट, अब स्टोन, मैंने ये जैसे सेलेक्ट किया मैंने ए स्टोन। ओके, अब मैंने यहाँ किया ये स्टोन हो गया कलर्स, लाइक ये अपने एक्सटर्नल्स स्टोन और वो कलर हो गया। अगर आपको जैसे ये कोई मटेरियल पसंद नहीं आए तो अपने 3D वेयर हाउस में जाओ और यहाँ सर्च कर लो, एंड जिस जो मटेरियल सर्च करना है, जैसे मेरे को अभी डोर सर्च करना। ओके, तो डोर, ओके, और ये मैंने सर्च कर लिया, ये आ गया डोर्स का ऑप्शन, ये डोर्स मैंने सर्च कर दिया। तब तक ये सर्च हो गया, ये डोर्स हो गया सर्च। मैं यहाँ थोड़ी सी लिमिट कम कर लेता हूँ, मेरे को 3 MB तक ही चाहिए, और टॉलरेंस ये मैंने बहुत कम कर दिया। ओके, वेट, ओके, अभी डोर हो रहा है तब तक मैं सर्च। अब मैंने ये मटेरियल दिया, जैसे मैंने ये मटेरियल देना तो ये मटेरियल दे दिया। मटेरियल में और कुछ भी है एडिट, अब मेरे को जैसे देना पैटर्न्स, लाइक पैटर्न मेरे को कोई भी पैटर्न देना है, जैसे मेरे को एक, मैं आपको बताऊँ, जैसे मेरे को ये पैटर्न देना है तो मैंने ये पैटर्न किया, तो ये पैटर्न, ये पैटर्न मेरे को सपोज करो ये पैटर्न देना है तो मैंने ये वाला पैटर्न दे दिया, ये पैटर्न तो ये पैटर्न, समझ गए मटेरियल्स। अब मेरे को देना है ब्लैक, तो जैसे मेरे को ये ब्रिक्स वाली देनी है डिज़ाइनिंग, तो ब्रिक्स वाली दे दी। ये देखिए, देखिए हुआ ब्रिक्स वाला डिज़ाइनिंग, सब समझे, ये मेरे ब्रिक्स वाले डिज़ाइनिंग, ये लाइक ये वाली डिज़ाइनिंग, ये जो सिल्वर होते हैं ना उसकी, ये इस टाइप की, ये भी अच्छा लग रहा है, बहुत प्यारा लग रहा है सच्ची। ये बस हो गया अपना। अब मैं इसमें फ्लोरिंग पे देना, तो मैं फ्लोरिंग पे क्या बोलो, कुछ भी मेटल्स, लाइक मेटल्स, तो ये मैंने मेटल दे दिया। मेरे को फ्लोरिंग पे देना टाइल्स। ओके, तो टाइल, अब ये टाइल आ गई, तो मेरे को लाइक टाइल्स कौन सी देनी, ये देनी, तो मैंने ये दे दिया। ये भी अच्छा नहीं लग रहा है, ये नहीं लग रहा है। यहाँ से आप चेक कर सकते हो, जो अपने को अच्छा लगे वो देने का, ये मैंने दे दिया। ओके, ये भी कोई इतना प्यारा नहीं लग रहा है, तो बस। ओके, और मैंने इस पर, अब मेरे को विंडो कवरिंग्स ये देने से, ये दे दिया। ये मैंने दे दिया, समझे गुरु। मटेरियल किस टाइप से देना है वो मैं बता दिया। ओके, अब मैंने डोर है आ गए मेरे पास डोर। अब मेरे को कोई भी लाइक एक डोर मैंने सपोज, ये मैंने डोर, ये नहीं सॉरी, अच्छा सा डोर लेगी, ये अपने को डोर लेना है। ओके, मैंने इसको कर दिया डाउनलोड। डाउनलोड हो रहा है तब, ओके, और मैंने उससे पहले वो क्या बोलते हैं ना, बैड डाउनलोड किया था, तो बैड अभी मैंने, जैसे मैंने बैड डाउनलोड किया हुआ है, मैंने डाउनलोड किया हुआ, तो मैंने इंपोर्ट, फाइल मैनेज में जाने का, फाइल में जाके फाइल, फिर फाइल से इंपोर्ट, इंपोर्ट्स में गया, इंपोर्ट में अपने जहाँ पे अपने फाइल डाउनलोड की, लाइक मैंने ये फाइल मैंने की, ओ ये ओके पोस्टल्स वन, अब बैड आ गया। ओके, अब बैड आ गया, समझे मेरी बात। अब मेरे को देखो, मैं आपको एक ध्यान से देखना एक चीज़ सिखा रहा हूँ। अब मैं ये, ओके, अब मैं ये मेरे पास बेड आया, अब मैं जो कहीं भी मैं सिलेक्ट करूँ तो टोटली बेड के सारे कंपोनेंट्स, लाइक्स, हेड्स एंड बेड्स के जो कवर्स, टोटली बेड अपने सिलेक्ट हो रहा है। अब इसको क्या करने का, इंडिविजुअल, जैसे मेरे को हेड नहीं चाहिए, पीछे वाला नहीं चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, इसको सिलेक्ट किया, लेफ्ट क्लिक, लेफ्ट क्लिक के बाद एक्सप्लोर, अब एक्सप्लोर में गया, फिर अब मैंने ऐसे कर दिया। ओके, अब मैं एक्सप्लोर में गया, अब देखो ये सिलेक्ट हो रहा है इंडिविजुअली, जो जो मेरे को सिलेक्ट करना वो हो रहा है सिलेक्ट, लाइक मैंने, अब मेरे को ये वाला पार्ट नहीं चाहिए, ये वाला, ये वाला, ये वाला। ओके, फिर मैंने डिलीट मार दिया।
अब मेरे को ये भी पार्ट नहीं चाहिए तो ये भी डिलीट मार दिया। हेलो गाइस, अभी हमने देखा था ये क्या क्या सॉरी हेलो हमने देखा था कि मटेरियल इंटरनेट मटेरियल कैसे प्रोवाइड किया था। अब मैं इसको मैं क्या करने वाला हूँ, अभी इसमें रूप देने वाला हूँ सिंपली। मैं अभी मैं क्या करने वाला हूँ, मेरे में विंडो डोर्स ओके। अब मैं इंपोर्ट अब मैं क्या करने वाला हूँ, इंपोर्ट में जाने वाला हूँ अभी। लाइक अपने बेड डोर लेना हो तो इससे डाउनलोड किया और सब मटेरियल जितना भी प्रोवाइड करने है मटेरियल यहाँ से डाउनलोड करने के जहाँ पे डाउनलोड पहले सिलेक्ट करेंगे वहाँ पे अपना मटेरियल आ जाएगा ऐसे गूगल स्केचअप करके उसमें से मटेरियल इसमें डायरेक्ट इंपोर्ट करके प्रोवाइड करने का। ओके इस टाइप से कर दिया। अब मैं इसमें क्या करने वाला हूँ, विंडो देने वाला हूँ इसमें डोर देने वाला हूँ, डोर क्या इसकी रूप देने वाला हूँ, छत रहने का। लाइक ये मैंने छत बनाई इसमें पी किया वो तो जितनी आपकी साइज हो, मैंने 5 इंच किया ओके और इसको सिलेक्ट किया मूव किया यहाँ रख दी। अब यहाँ से मैंने पी किया क्या मतलब कुछ फूल ओके और ये मैंने डोर बना दिया ओके। ये मैंने एक रूम बना दिया, ये इतना रूम हो गया। अब मैंने विंडो के लिए मेरी बात सुनो, विंडो के लिए भी अपने क्या बोलते हैं ना छज्जा, जिसको हम छज्जा देना हो तो ये मैंने विंडो के लिए छज्जा अपने कलरफुल छज्जा आएगा रीजन तो आए ये अपने को पता होगा रीजन आपके भाई से। ये मैंने अंदर की तरफ छज्जा दे दिया सॉरी देख लिया गाइस अभी हमने बना दिया पूरा बिल्कुल। अब जैसे मेरे को इसमें पी करना तो इसमें मैंने ये बना दिया ओके, ये जैसे मैंने ये बना दिया। लाइक किसी भी टाइप से अपने मटेरियल इंटरनेट मटेरियल प्रोवाइड कर सकते हैं, इससे इस टाइप से अपने 3D मॉडल प्रिपेयर कर सकते हैं। लास्ट लेक्चर में मैं और नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको इसके मॉडल और एक मैं अच्छा सा 2D 3D व्यू पूरा प्रिपेयर करके बताऊंगा, जिसमें मैं 3D मॉडल प्रिपेयर करूंगा जो अप्रोक्स में 4 लेक्चर में पूरा मॉडल टोटली मॉडल आपको एक्सटीरियर इंटीरियर डिजाइनिंग पूरा प्रिपेयर करके बताऊंगा जो अप्रोक्स 4 या 5 लेक्चर में। मेरे एक लेक्चर 10 मिनट का होता है तो 5 लेक्चर 50 मिनट में आपको पूरा मॉडल प्रिपेयर करके बताऊंगा। थैंक यू गाइज, अगर वीडियो पसंद आई